बूथ वाइज हमारा प्लानिंग हो रहा है और वहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं को मुख्यतः माइनॉरिटी क्षेत्र में MIM डरा रहा है। दूसरा, उनके बूथों में उनके सिवा दूसरों को वोट नहीं करना ऐसा भी वो डरा रहे हैं और उनकी भाषा भी निर्माण की ओर नहीं है, सब डराना धमकाना और प्रधानमंत्री को भी वल्गर लैंग्वेज से संबोधन करना। ये पढ़े लिखे लोग हैं, बैरिस्टर है और अकबरुद्दीन भी है, अरे तुम तो 2-3 साल से आप विधायक है, MLA है, कैसी भाषा बात करना, तुमको देख के लोग सीखना है क्या बात करते हैं चाय वाले, यही है क्या तुम्हारा राजनीतिक जीवन? अरे क्या डेवलपमेंटल एक्टिविटी करते हैं ओल्ड सिटी में वो बताओ, उसको इसको गाली देकर हम वोट बटोरने की कोशिश मत करो, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई हो, सबको गाली देना तुम्हारा आदत है। गली में कुत्ता जैसा भोगता है वैसा तुम भोग रहे हो पब्लिक में, पब्लिक को सही मार्गदर्शन करो, नेशन बिल्डिंग में सहयोग करने के लिए उनसे अपील करो और यहाँ पर क्या जरूरी स्कीम्स जरूरत है ओल्ड सिटी डेवलपमेंट के लिए उसके लिए काम करो, वो नहीं करते। हॉस्पिटल्स म्यूनसिपल डिविजन वाइज रखना नहीं देखते, स्कूल्स और कॉलेजेस कैसा है वहाँ पर वो नहीं देखते, उस्मानी हॉस्पिटल, यूनानी हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो है उसके अंदर देखकर क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसा काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स कैसा है और पैरामिलिट्री पैरा मेडिकल एम्प्लॉयज कैसे है कुछ भी नहीं देखते। वो केवल देश भर में घूमता है माइनॉरिटीज़ के नाम पर वोट बटोरने के लिए, माइनॉरिटीज़ माइनॉरिटीज़ बोल के चिल्ला, पार्लियामेंट में माइनॉरिटी, आम सभा में माइनॉरिटी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइनॉरिटी, ये माइनॉरिटी बात करता है। अरे देश के अंदर दूसरे भी लोग हैं उनके लिए क्या बात कर रहे हैं, तुम्हारे सपने में तो भी बात करते क्या दूसरे लोगों के लिए? भारत के संविधान का संरक्षक कहता, वो संरक्षक की बात करने वाला ऐसा कहता है कि माइनॉरिटीज BC SC ST एकजुट हो जाओ, राज का सत्ता हथियाएंगे। अरे राज के सत्ता हथियाने के लिए किसके लिए हथियाना चाहता है? देश के विकास के लिए हथियाना चाहता है, लोगों को बांटने के लिए हथियाना चाहता है, सभी को जोड़ने के लिए काम करो, किसी में कमी है तो उसको दूर करने के लिए उनको सलाह दो, परंतु आप लोगों में भड़का कर माइनॉरिटी बोलकर माइनॉरिटीज के लिए, मैं चुनौती देता हूं चाहे दोनों भाई विधायक और MLA MP क्या डेवलपमेंट करे, ओपन बात करो, तुम्हारा MP फंड MLA फंड कहां पर इस्तेमाल करे, जिसके कारण क्या डेवलपमेंट हुआ, चुनौती दे रहा हूँ बताओ। और ओल्ड सिटी के अंदर बेरोजगारों के लिए रोजगार के लिए क्या स्कीम्स के लिए सरकार के सामने, चाहे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेंटेशन किए, रिमाइंडर्स करे, प्रेस करे, क्या आंदोलन करे, मेट्रो रेल पुराने शहर में नहीं आए जैसा तुम पूरे काम कर रहे, क्योंकि मेट्रो रेल आए तो डेवलपमेंट है, तो हर नागरिक पुराने शहर में रहने वाला अवेकनिंग होके इनके बातों को नहीं मानता, उसलिए अंधेरे में रखना चाह रहे। ठीक है सर, आप जीतने के बाद आप क्या करेंगे? हम जीतने के बाद मेट्रो रेल 500 दिनों के अंदर मेट्रो रेल ओल्ड सिटी में घूमे जैसा देखेंगे, मूसी रिवर क्लीनिंग करने के लिए देखेंगे, हर स्कूल्स एंड कॉलेजेस, जूनियर कॉलेज एंड हॉस्टल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सभी लोगों को पढ़कर अपना स्किल के माध्यम से बाहर के लोगों से कॉम्पिटिशन में आगे रहना, उस प्रकार का वातावरण निर्माण करेंगे और रोजगार के लिए वहाँ पर स्कीम्स लेके आएंगे, नरेंद्र मोदी के स्कीम्स भी लेके आएंगे, वहाँ का पुराना शहर का हर नागरिक, हर विद्यार्थी, बाहर का शहर में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर से उसके अनुरूप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके कॉम्पिटिशन में वो आगे आओ, IAS ऑफिसर बने, IPS ऑफिसर बने, ग्रुप वन ऑफिसर्स बने, सरकार की नौकरियों में रिलीजन के नाम पे नहीं अपनी योग्यता के माध्यम से जॉब्स हासिल करें, उस प्रकार का वातावरण निर्माण करूँगा, यह मेरा विश्वास है।